धौलपुर जिले के जौली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे के एक निजी स्कूल से लौट रहे बच्चों से भरा टेम्पो राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में करीब 15 बच्चे घायल हो गए। हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना को देखकर स्थानीय लोगों मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचना देकर बच्चों को मरैना CHC पर भर्ती कराया, लेकिन करीब आधा दर्जन बच्चों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उन्हें धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर पर रेफर कर दिया। परिजन विनय और हरेंद्र सिंह ने बताया कि नजदीकी कस्बा मरैना में उनके गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं। निजी शिक्षण संस्थान के टेम्पो द्वारा करीब 20 से 25 बच्चों को भरकर स्कूल पहुंचाया जाता है, जिसे लेकर बच्चों के परिजनों ने कई मरतबा स्कूल प्रबंधन को शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक शनिवार को स्कूल से पढ़ाई कर बच्चे टेम्पो से घर वापस लौट रहे थे, लेकिन राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। घटना को देखकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने निजी संसाधनों द्वारा बच्चों को स्थानीय राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें धौलपुर के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बताना क्यों बच्चे को लटका के क्यों ले जाते हैं टेम्पो में? मैं फीस आपको बराबर दे रहा हूँ ना, पैसा दे रहा हूँ। आज तुमने बोला 20 के लिए 30, कल डंडा मार रहे थे आप बच्चों को, मैंने तो बोला 1,00,000 का। कल अगर बच्चा नहीं मेरा यूनिफॉर्म पहन के जाता तो मेरे को बोलना, यूनिफॉर्म कल मैंने बनवा के भेजी, आज बच्चा है। आपका स्कूल नहीं चलने दूंगा मैं, अब नहीं चलने दूंगा स्कूल, नहीं चलने दूंगा, चाहे मेरा बच्चा रोज मर जाए। मेरा बच्चे का नाम है कपिल, उनको 2-3 बार मैं शिकायत भी किया हूँ सर को, पर लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज बच्चा के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, तब इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि हम शिकायत आगे देख लेंगे, फिर भी सुन नहीं रहे कुछ। रविंद्र सिंह गढ़ी बिंदीपुरा हवेली में, ये रहनमा रहने वाली टेम्पो है, स्कूल के बच्चे जाते हैं उसमें, कम से कम 30 बच्चे हैं करीब, उसमें कई बार शिकायत भी कर दर्ज की है कि बच्चे लटक के जाते हैं, कुछ व्यवस्थाएं और बढ़ाई जाए टेम्पो की, लेकिन उसमें नहीं बढ़ाई। फिर भी आज बच्चों की इतनी हालत गंभीर है, कुछ बच्चों के बहुत 5 बच्चे इतनी बुरी तरीके से घायल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। आपके परिवार के 5 लोग हैं? 5 बच्चे, मेरे भतीजे ही हैं, मेरे परिवार के ही हैं, कुछ गढ़ी बिंदीपुरा से हैं, हवेली के हैं, 5 बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं। उसमें आप मान के चलो सुविधाएँ, टेम्पो में इतने बच्चे लटक के जाते हैं उसके पीछे, मैं कई बार बोले हैं उनसे लेकिन उन्हें समझाया ही नहीं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थान में पूर्व नाबालिग छात्र ने पिस्टल से फायर कर दिया। फायरिंग में संस्था प्रधान बाल बाल बच गया। गोली की आवाज से विद्यालय में सनसनी फैल गई। संस्था के अन्य स्टाफ ने छात्र को पिस्टल के साथ घेराबंदी कर पकड़ लिया। संस्था प्रधान ने सदर थाना पुलिस को सूचित कर छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया। हाईवे स्थित केशव दास विद्या मंदिर स्कूल के व्यवस्थापक श्री भगवान त्यागी ने बताया कि स्कूल का पूर्व नाबालिग छात्र आज शनिवार को स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचे छात्र ने पहले एक बच्चे के बारे में पूछताछ की, उसके बाद छात्र ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब संस्था प्रधान ने विरोध किया तो अवैध पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी, जिसमें संस्था प्रधान बाल बाल बच गए। गोली की आवाज से स्कूल परिसर में सनसनी फैल गई। स्कूल के अन्य स्टाफ ने घेराबंदी करके पूर्व छात्र को दबोच लिया। मामले की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र एवं पिस्टल को कब्जे में लेकर सदर थाने पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। एक बच्चा विद्यालय में पढ़ता था पहले, वो थोड़ा शरारती टाइप का था, तो पिछले साल उसको विद्यालय से जो है मना कर दिया, TC दे दी उसको। तो पिछले साल भी एक बार वो तलवार लेके आया, लेकिन घर वालों को बुलाया तो घर वालों ने उसकी समझाने के बाद मामला शांत हो गया। अब अचानक आज आया है, कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, और आकर के उन्होंने तो सीधा कट्टा निकाल करके 3 बार फायर किया डायरेक्ट। वो तो कारतूस मिस हो गया, अन्यथा जान चली जाती, बड़ी मतलब बाल बाल बच गया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के नेशनल हाईवे 3 के पास मचकुंड रोड पर ट्रक की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। घायल युवकों में सुबह सुबह एक युवक दूध लेने तो दूसरा युवक घूमने जा रहा था। सुबह कोहरा अधिक होने की वजह से धुंध में कुछ नहीं दिखने पर ये हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है, वहीं हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया। पुलिस ने बताया कि नेशनल हाईवे 3 के पास मचकुंड रोड पर हादसा हुआ। शनिवार सुबह इरफान घूमने निकला था, वहीं कुशीलाल साइकिल से दूध लेने जा रहा था, एक ट्रक ने उन्हें अचानक टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन घायलों को ग्वालियर ले गए। पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।
धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पास बीती रात दो बाइकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में आरईसीएल शिफ्ट इंचार्ज की मौत हो गई। आरईसीएल शिफ्ट इंचार्ज ड्यूटी करके बाइक से घर लौट रहा था। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि बाइक पर सवार 58 वर्षीय राकेश त्यागी पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी मानपाल कॉलोनी आरईसीएल फैक्ट्री में शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात थे। बीती रात 11 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद राकेश त्यागी अपनी बाइक से घर की ओर लौट रहे थे, तभी मेला ग्राउंड के पास सामने से तेज गति से आती दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में राकेश त्यागी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस द्वारा सड़क पर पड़े सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया, जहां परिजनों की तहरीर पर शनिवार को सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद मौके से भागी दूसरी बाइक के नंबर की पहचान कर ली गई है। एक व्यक्ति राकेश सनोप लक्ष्मीचंद जाति त्यागी निवासी गुरुद्वारा रोड मानपाल कॉलोनी के पास का रहने वाला, जो आरसीएल फैक्ट्री से अपनी नौकरी करके अपने घर वापस आ रहा था, जिसको एक वाहन आईटीआई रोड पर एक्सीडेंट कर गया, जिसकी दौरान एक्सीडेंट मृत्यु हो गई। भरतपुर रोड पर चंदसौरा गांव के पास आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार दो लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घायल युवकों को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से सैपू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार एमपी के अंबा निवासी अंकुर चौहान अपने साथी लोकेश अग्रवाल के साथ बाइक से जगनेर किसी मंदिर पर दर्शन करने जा रहा था, लेकिन चंदसौरा गांव के पास उनकी बाइक के सामने कोई जानवर आ गया, जिससे टकराकर दोनों जने सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को सैपू अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। धौलपुर जिले में वन विभाग ने शनिवार को बाड़ी सड़क मार्ग स्थित केसरबाग की खदानों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विगत लंबे समय से खनन माफिया द्वारा अनाधिकृत तरीके से खनन किया जा रहा था। शिकायत पर डीएफओ घड़ियाल सेंचुरी ने अवलोकन कर कार्रवाई को कराया है। डीएफओ चंबल घड़ियाल सेंचुरी अनिल यादव ने बताया कि 2 और 3 दिसंबर को केसरबाग के खनन इलाकों में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पत्थरों के खदानों में अनाधिकृत तरीके से माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा था। पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खनन का होना बहुत ही घातक है। उन्होंने बताया कि स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा खनन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण खनन माफिया लगातार सक्रिय हो रहे हैं। खदानों का सौंदर्य रूप बिगड़ने के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने बताया कि केसरबाग की खदानों में हो रहे खनन में वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, जिनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। शनिवार को हुई कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं के रास्तों को जेसीबी से खुदाई कर बंद कर दिया गया। उसके अलावा पत्थरों के बड़े बड़े अवरोधक डालकर भी रास्ता रोके गए। डीएफओ ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दिनांक 2 और 3 तारीख को निरीक्षण किया गया रेंज कार्यालय वन्य जीव धौलपुर का, तो ये पाया गया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अक्सर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। इसके बाद उनके अधीन क्षेत्र जो कि केसरबाग अभयारण्य है उसका भी निरीक्षण किया गया, तो जगह जगह अवैध खनन पाया गया। जो भी अवैध खनन के जो रास्ते थे वो खुलेआम चल रहे थे। मैं अपनी टीम को लेकर के यहाँ आया हूँ केसरबाग में, और जितने भी अवैध खनन के रास्ते हैं सभी रास्तों को जेसीबी से अवरुद्ध कराया जा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, और इसके अलावा जो इसमें मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी की संलिप्तता है उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जोधराज सिंह राजावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव वन विहार धौलपुर। श्रीमान डीएफओ साहब दिनांक 2/12/2021 को यहाँ आए थे। मेरे को रेंज ऑफिस के अंदर बिठा कर बोले कि आप यहाँ रहना, मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे पीछे से एनसीएस रेंज सागरपाड़ा का स्टाफ को लेकर पीछे से, मतलब वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे अवैध खनन की कार्रवाई करने के लिए पहुँच गए। मेरे को बिना बताए हुए मेरे को यहाँ पाबंद कर गए और अवैध खनन में मेरे को लिप्त बताए, जबकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। उस एनसीएस रेंज का चार्ज एक हेड गार्ड को दे रखा है, मेरे पास से गाड़ी छीन के गाड़ी भी इनको दे रखा है, और फ्लाइंग इंचार्ज इसको बना रखा है। अवैध वसूली अवैध खनन से तो ये वसूल करते हैं, और इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, और
ये जब कार्रवाई करने गए थे, जब मेरे को रेंज पे पाबंद करके मेरे को यहीं बिठा गए, मेरे को अनुपस्थित बताया जबकि मैं यहीं मौजूद था। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। धौलपुर जिले की सैपू थाना पुलिस ने शुक्रवार की रात नेशनल हाईवे 123 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए दो डंपर गाड़ियों को जब्त किया है। बजरी माफिया गिट्टियों के नीचे चंबल बजरी भरकर ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में जिले में बजरी माफियाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बजरी माफिया डंपर गाड़ी की बॉडी में गिट्टियों के नीचे बालू ले जा रहे हैं। अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अवैध चंबल रेता की परमिट पर रोक के जो रेत माफिया ने जो नया तरीका निकाला है उसके ऊपर गिट्टी ले जाते हुए नीचे अवैध चंबल के दो डंपर पकड़े गए। मुखबिर की सटीक सूचना पर भरतपुर रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई और दो डंपर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई। दोनों गाड़ियों में ऊपरी सतह पर गिट्टी भरी हुई थी जबकि गिट्टियों के नीचे चंबल बजरी भरी हुई पाई गई। बजरी माफियाओं के नए तरीकों देखकर पुलिस भी चकित रह गई। पुलिस की अचानक कार्रवाई को देखकर गाड़ियों में सवार बजरी माफिया फरार हो गए। दोनों गाड़ियों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी माफियाओं को भी शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। टेपू से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सैपू उपखंड इलाके में रजौरा खुर्द माइनर पिछले 5 दिनों से बंद है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने के कारण किसान भारी परेशान हैं। आक्रोशित किसानों ने माइनर के पास लामबंद होकर जल संसाधन विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि वे सिंचाई के लिए नहर में पानी आने को लेकर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की हठधर्मता के चलते उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को आक्रोशित किसानों के द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि आलू गेहूं और सरसों की फसल को सिंचाई की इस समय बेहद आवश्यकता है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा माइनर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते उनकी सारी फसल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। मामले को लेकर पंचायत समिति सदस्य दिनेश सिंह परमार ने बताया कि वर्तमान समय रबी फसल का चल रहा है, सरसों गेहूं आलू के साथ सब्जी की फसलों को विशेष पानी की जरूरत है। यहाँ माइनर पर 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, किसान पूरी तरह से त्रस्त है और इनकी जो फसल है वो पानी की ज़रूरत है और ये यहाँ आते हैं और इस माइनर को देख करके यहाँ से चले जाते हैं। इसमें 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा, पूरी तरह से इनकी फसल पानी के लिए लालायित है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं इनके कान तक जू नहीं रेंग रही, ना JEN ना EN इनकी कोई सुनवाई नहीं करता। वो अपने ऑफिस से नहीं निकलते, कभी वो माइनर देखने नहीं आए, ना कभी यहाँ पानी छोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। पूरी तरह से किसान परेशान है। 4-5 दिन आते नहर ना आ रही, हमारे तो आगे खेत पर गए हैं, सब सूख रहे हैं। नह का तो आवा तो पीछे रोका फोका डाल लेते हैं, अब ये भाई सिंचाई करवा करते हैं, सुनवाई को कतना ना कर्मचारी जहाँ आए के नहीं परेशानी जी है कि वहाँ कहवे जाओ तो भेजो कहते हैं अड्डन टोरवाऊ और अड्डन टोरवे जाओ तो रट्टो कर ले बनते जी, परेशानी है यहाँ। कुछ दिन पूर्व पार्वती डैम से छोड़े गए पानी से राहत मिली थी, लेकिन सिंचाई विभाग ने मझधार में ही माइनर को बंद कर दिया, जिससे फसल सूखने के कगार पर पहुंच रही है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि शीघ्र पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह जल संसाधन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे। सैपू से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर पोस्को कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 75,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2008 में आरोपी ने खेत में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि सदर थाना इलाके की रहने वाली नाबालिग बालिका 7 जुलाई 2018 को खेत में शौच करने गई थी। नाबालिग बालिका का पीछा करते हुए आरोपी BK चौधरी पुत्र मन्नालाल चौधरी वहां पहुंच गया। आरोपी ने नाबालिग बालिका को पकड़कर खेत में ही हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। नाबालिग के पिता ने महिला थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज शनिवार को पोस्को कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने अहम फैसला सुनाते हुए BK चौधरी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने 75,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। पोक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत BK चौधरी को धारा 376 IPC व पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में BK चौधरी पुत्र मुन्नालाल 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 5 में एक फौजी के घर में अज्ञात बदमाशों ने शुक्रवार सुबह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया
और फरार हो गए। हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 5 में फौजी समुद्र सिंह सनौ प्रामनाथ सिंह का घर है। सुरेंद्र सिंह वर्तमान में उत्तराखंड में तैनात है। शुक्रवार सुबह 3 बजे के आसपास फौजी की पत्नी अपने बच्चे को टॉयलेट कराने के लिए बाहर आई तो उसने देखा कि कुछ लोग दीवार फांदकर घर में घुस रहे हैं। उसने शोर मचाया तो ननद भी बाहर आ गई। चोरों ने आवाज सुनकर दोनों पर धावा बोल दिया और मंगलसूत्र और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। राजाखेड़ा में कल शाम को पिनाट रोड पर हुई 2 बाइकों की बैठक में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें राजाखेड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बाहर के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां 3 युवकों का आगरा में इलाज चल रहा था। आज आगरा के शेखर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान घायल तारापुत्र शंकर निवासी वार्ड नंबर 19 ने दम तोड़ दिया, जिसके सबको राजाखेड़ा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से कस्बे में शोक की लहर है। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर द्वारा हर बार की तरह इस बार शनिवार को अमावस्या पर साधु महात्माओं एवं जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई सिटी कोतवाली के माध्यम से बैठाकर भोजन कराने के साथ कम्बलों का वितरण किया गया। ANULM के अशोक मिश्रा ने कहा कि अमावस्या भोजन समिति बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है। समिति के सदस्य रवि सिवारे ने बताया कि अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। आयोजन माह की हर अमावस्या पर साधु संतों एवं जरूरतमंदों को खीर पूरी सब्जी एवं मिष्ठान का भोजन कराया जाता है। इस बार सर्दी को देखते हुए कमेटी के सभी सदस्यों की इच्छा अनुसार कम्बलों का वितरण किया गया। इसमें समिति के दयाकर सक्सेना, रवि सिवारे, मुकेश सक्सेना, डॉक्टर हरी सिंह बिलोड़ी, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, अशोक सिवारे, दिनेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, अश्विनी श्रीवास्तव, दीपक उपाध्याय, केदार ठेकेदार, मोहित अग्रवाल, राम कुमार दद्दा, संजीव गुप्ता, लाडली मोहन त्यागी, राहुल बिदोड़ी, सूरज कंसाना, विष्णु बल्लभ शर्मा एवं समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। कोरोना की तीसरी लहर और बढ़ते संक्रमण की संभावनाओं के चलते जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल द्वारा गांव-गांव और घर घर डोर टू डोर व्यापक अभियान चलाया गया है, ताकि कोरोना की बढ़ती संक्रमण की संभावनाओं पर विराम लगाया जा सके। इसी के तहत PSC खानपुर बाड़ी द्वारा गांव के बस स्टैंड से वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। कोरोना के टीके से वंचितों को कोरोना के टीके लगाए गए। इस अवसर पर टीम प्रभारी डॉक्टर नीरज शर्मा, अनिल कुमार, ANM राजकुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, बाड़ी SDM राधेश मीणा एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा के निर्देशानुसार बाड़ी में जगह जगह कैंप लगाकर वैक्सीनेशन करवाया गया। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लोगों को जागरूक किया गया कि वे अपनी पहली डोज एवं दूसरी डोज कोरोना वैक्सीन की जरूर लगवाएं। इसी के तहत बाड़ी में आज वैक्सीनेशन कैंप लगाकर अग्रवाल धर्मशाला, UPS गुम्बट स्कूल, रेलवे फाटक, कुशवा धर्मशाला, परशुराम धर्मशाला, अम्बेडकर पार्क सहित कई स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई गई। बाड़ी धर्मशाला में लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समाज सेवी काना शर्मा, अंशुल गर्ग, सुलभ वर्मा, पूजा संजना आदि कई लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में 10 कोवैक्सीन एवं 99 कोविशील्ड लगाई गई।